प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता कमलनाथ की देपालपुर में होने वाली आम सभा में शामिल होने के लिए महू के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष विष्णु मालवी के नेतृत्व में देपालपुर पहुंचे। ड्रीमलैंड चौराहे से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु मालविया के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों का काफिला एकत्रित हुआ। इन्होंने यहां सर्वप्रथम देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता सैकड़ों वाहन पर देपालपुर में आयोजित आम सभा में शामिल होने के लिए रैली के रूप में रवाना हुए, जो कि शहर के ड्रीमलैंड टॉकीज से प्रारंभ होकर माणिक चौक, मोती चौक, मेन स्ट्रीट, हरी फाटक होते हुए इंदौर और उसके बाद देपालपुर के लिए रवाना हुई। मऊ से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। राहुल गांधी। अभी जो किसानों में, मजदूरों में, गरीबों में जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके तहत ये लोग 7 बजे के निकल के डिवलेन पे आ गए हमारे छोटे से बुलावे पे। तो ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अब निकले हैं, ये आने वाले समय में परिणाम देंगे। आज देपालपुर में हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की किसान महापंचायत, किसानों की समस्या के लिए वो प्रदेश से सभी नेता लोग देपालपुर में आ रहे हैं। तो हम सब यहाँ से पूरी ताकत से, क्योंकि उसमें सभी का आह्वान था कि पूरे जिले के लोगों का आना है, तो हम मऊ तहसील से हमारे सब कांग्रेस साथियों के साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। हमारा आने वाला विधानसभा चुनाव में आदरणीय विजय सिंह चौहान, जिन्होंने टिकट मांगने का सबको अधिकार है, इन्होंने भी आवेदन दिया है। हम पूरी ताकत से लगे हैं हमारे नेताओं को अवगत कराने को, ताकत बताने को कि हमें युवा, हमारे युवक कांग्रेस में लगा हुआ 10 साल से चुनरी यात्रा, और ये सभी निकाल रहे हैं और सभी लोगों के युवक कांग्रेस के लिए चुनाव में लगा हुआ आदमी हमारा है। हम चाहते हैं कि उसको टिकट दे युवा आदमी को मऊ से, तो आगे आने वाले समय में ये सब लोग लग के हम कांग्रेस को मऊ से जिताएंगे।